हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी कच्चे आलू और सूजी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, जो एकदम ऊपर से क्रिस्पी और करारी सी बनती है और अंदर से एकदम सॉफ्ट होती है और खाने में एकदम टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो हम परफेक्ट मेजरमेंट बताएंगे, अगर आप उसी तरीके से बनाएंगे रेसिपी को, तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कच्चे आलूओं को पानी में डिप कर लिया है छीलकर, और यहाँ पर आप कद्दूकस लेंगे एक, और उससे मीडियम वाली छन्नी से यहाँ पर कद्दूकस करेंगे। ना छोटी का यूज़ करेंगे और ना ही बड़ी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो मीडियम वाले छेद होते हैं उससे कद्दूकस करके यहाँ पर आलूओं को कद्दूकस करके लेना है हमें सारे ही। और इसके बाद यहाँ पर पानी ऐड करना है आलूओं में, और आलूओं को अच्छी तरीके से दो बार पानी से अच्छी तरीके से वॉश करके लेना है। और जैसे ही हमारे आलू अच्छी तरीके से वॉश हो जाएंगे, तो इसमें एक बार साफ़ पानी इस तरीके से डीप करके इसमें रख देना है। तो साफ़ पानी में आलूओं को एक बार डीप करके रख देंगे हम साइड में। और यहाँ पे लेंगे अब हम कढ़ाई या पैन। तो कढ़ाई पैन को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। गर्म जैसे ही हमारी कढ़ाई या पैन हो जाएगा, तब इसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल को यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पर रखते हुए। इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच यहाँ पे हमने सूखे कड़ी पत्तों को लिया है तोड़कर, और यहाँ पर एक से डेढ़ चम्मच यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली है, इसे डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और इसमें यहाँ पर दो कटोरी पानी ऐड डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस कटोरी के नाप से हम यहाँ पर दो कटोरी पानी ऐड करेंगे। आप इसी तरीके से नाप से पानी डालेंगे तो रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर दो कटोरी हम पानी ऐड करेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर कलर के लिए हल्दी ऐड की है। अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पर आप। और इस तरीके से एक बार मसालों को पानी में अच्छी तरीके से मिला लेंगे स्पैचुला से। और यहाँ पर हमने एक कटोरी में एक तिहाई यानी कि एक कटोरी से थोड़ा सा कम सूजी लिया है। इस तरीके से डालेंगे सूजी को, ये बारीक वाली सूजी है, और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मिला लेना है। तो अच्छे तरीके से मिलाते जाएंगे तो इसमें गुठली वगैरह नहीं बनेगी, साथ ही साथ मिलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसे डालते जाएंगे। तो सूजी को इस तरीके से मिलाने के बाद, सूजी को पूरा डाल लिया है हमने, और इस तरीके से मिलाते जाएंगे। तो जैसे ही सूजी मिल जाएगी पानी में, तो यहाँ पर दो मिनट के लिए इसे और चलाते जाएंगे। जैसे ही मिल जाएगी यहाँ पर सूजी, तो हमने उसी कटोरी से यहाँ पर एक चौथाई कटोरी यानी कि एक कटोरी का एक हिस्सा यहाँ पर बेसन लेना है। तो इतना जितनी हमारी सूजी कम थी उस कटोरी में, उतना हमने यहाँ पे बेसन ऐड कर लिया है यानी कि। तो इस नाप से हम इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। बेसन को भी स्पैचुला से मिलाते हुए बहुत अच्छी तरीके से सूजी में मिक्स कर लेना है, और इस रेसिपी को इस तरीके से तैयार करना है। तो बस बहुत ही अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। तो जैसे ये दोनों मिक्स हो गए हैं आपस में, अब यहाँ पर जो हमने कच्चे आलू लिए हैं उसे ऐड करेंगे इसमें। और कच्चे आलूओं के साथ जो पानी है, उस पानी के साथ हमें इस दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पका लेना है। तो इसे पकाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर जैसे ही सूजी और बेसन मिक्स हो जाएंगे आपस में, तब हमें आलूओं को यहाँ पर मिक्स करना है, और आलू में जो बचा कुचा पानी है उसके साथ इसे पका लेना है। तो इसी तरीके से मिलाएंगे। तो दो मिनट मिलाने के बाद हमारा जो आलू है वो अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स हो जाएगा मिश्रण में, आलू सूजी और बेसन के। तो बस इसे दो मिनट भाप पे रख कर लो फ्लेम पर पकाना है ढककर। तो दो मिनट बाद इसे देख लेंगे, तो और इसे चलाएंगे तो देखेंगे हमारा मिश्रण गाढ़ा पका है या नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से दो मिनट चलाने के बाद ये गाढ़ा होते जाएगा। तो यहाँ थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे रखते हुए हमें पकाना है और इसे गाढ़ा होने देना है। तो जैसे ही ये इस तरीके से गाढ़ा होने लगेगा, तो हम एक प्लेट लेंगे, उसे ऑयल से यहाँ पर ग्रीस करके ले लेना है। और इस प्लेट में हम जो हमने मिश्रण तैयार करके रखा है उसे निकालेंगे। तो यहाँ पर इसे इस तरीके से प्लेट में निकाल लेना है और इसे एक समान कर लेंगे। तो इस तरीके से स्पैचुला की मदद से हमें इसे एक समान कर लेना है, और इस तरीके से जमा लेना है पहले, और यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से ठंडा होने देना है। तो यहाँ पर इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक इस तरीके से ठंडा होने देंगे यहाँ पर। तो जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, इस तरीके से प्लेट हमने घुमा ली है, यहाँ पे दो उंगली का हम नाप ले लेंगे, और इस तरीके से इस नाश्ते को यहाँ पे काटना है। तो पहले यहाँ पर कट लगा लिया है मैंने एक जगह का, लेकिन इसके साइड्स हमने निकाले नहीं हैं। तो यहाँ पर साइड्स को निकाल लेंगे, इसके जो एक्स्ट्रा हैं
के साइड को निकाल कर फिर यहाँ पर नाश्ते को यहाँ पर कट करेंगे। तो इस तरीके से जो किनारे हैं उनकी साइड को निकाल लेंगे हम एक्स्ट्रा जो हैं, और उसके बाद यहाँ पर नाश्ते को शेप देंगे। तो इस तरीके से सब तरफ कट लगा लेंगे हम और कुछ इस तरीके से शेप देंगे। तो ये नाश्ता इस तरीके से तैयार होगा और ये शेप हो चुका है। अब तो इसे निकाल लेंगे हम स्पैचुला की सहायता से प्लेट में। तो देखिए इस तरीके से ये नाश्ता बन के तैयार होगा। तो सारे फिश हमने इस प्लेट में निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर ऑयल गर्म करेंगे हम कढ़ाई या पैन में, और जैसे ही तेल गर्म होगा उसे मीडियम फ्लेम पे रखते हुए एक एक से यहाँ पर नाश्ते को डालेंगे ऑयल में। और डालने के बाद यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही नाश्ते को फ्राई होने देंगे। तो जैसे जैसे जो हमने पहले नाश्ता डाला है उसे एक एक से पलटेंगे इस तरीके से। तो कांटे की चम्मच की मदद ले लें आप और इस तरीके से एक एक से पलटेंगे इसे, और इसका एक समान कलर आए इसका ध्यान देकर इस तरीके से नाश्ते को फ्राई करेंगे। तो देखिए इसे अलट पलट के इस तरीके से फ्राई करना है और एकदम क्रिस्पी होने देंगे। तो आप इसका टेक्सचर आपको खुद ही पता चल जाएगा फ्राई होते होते, जब ये एकदम क्रिस्पी होने लगेंगे और एकदम गोल्डन से कलर आने लगेगा जब, तब इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरा नाश्ता भी बना के फ्राई कर लेंगे। तो ये दूसरी वेज भी हमने इसी तरीके से फ्राई कर ली है, वो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा कच्चे आलू का नाश्ता बन के तैयार हुआ है। इस नाश्ते की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।